सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते सल्ले अल्लाह नबी ना सल्ले अल्लाह मुहम्मद सल्ले अल्लाह शफी ना सल्ले अल्लाह मुहम्मद जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद जो बैठूं तो सल्ले अल्लाह कहते कहते सल्ले अल्लाह नबी ना सल्ले अल्लाह मोहम्मद। एक सादा सा देहाती तुमसे काबू नहीं हो सका। तुम्हारे रैंक के बाकी अफसरों ने बड़ों बड़ों को हाथों में ले रखा है, उंगली के इशारों पे नचाते हो नहीं। अरे तुम हो के गुलाम रसूल को अभी तक फुसला नहीं सके। सर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने मुश्किल से मुश्किल केसेस हल किए हैं कि बुढ़ा गुलाम रसूल बहक नहीं रहा है। अब मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, भर गया हमारा दिल इस जहान से। हम मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, भर गया हमारा दिल इस जहान से। हम मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, भर गया हमारा दिल इस जहान से। हम मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, भर गया हमारा दिल इस जहान से। अपने कदमों में हमें बुलाइए हजूर, कब तलक रहेंगे हम मदीने से यूं दूर। सुन हमारी इल्तिजा या नबी। ओ बाबे, अंधा होने के साथ साथ पागल भी हो गया तू। चार लफ्जों के लिए कम अज कम 5,000 की बकरी दे दिए तूने। उस एक लफ्ज के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता। सर 15 मिनट है, अगर ये 15 मिनट गुजर गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस केस में आप मेरी मदद करें। सर 15 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं? सर आपने आखिरी वक्त में कई लोगों को पकड़ा है, अनायतुल्लाह शमीउल्लाह, बाबा दीनू, चाचा करमू। सर आपके क्रेडिट पर आखिरी हमलों की लंबी और कामयाब फहरिस्त है, और फिर ये गुलाम रसूल तो बुढ़ा भी है और अंधा भी। क्या आप चाहते हैं कि एक और इब्ने आदम बाबे कौसर से सैराब हो? मरहबा गुलाम रसूल, मरहबा, मरहबा निकबते, मरहबा। बहुत ही खुशकिस्मत हो, मैं एक फरिश्ता हूं और खास अभी तुम्हें मिलने आया हूं। तुम्हें तुम्हारी बीनाई लौटाने आया हूं, तुम्हें तुम्हारी सेहत लौटाने आया हूं। जैसे अब तुम मुझे देखने के काबिल हुए हो, थोड़ी देर में तुम ये सब कुछ देख सकोगे। या रसूल अल्लाह, बस तुम कुछ ना बोलो, तुम आराम करो। तुम जैसे नेक बंदे हो,
जिंदगी में कुछ नहीं मिला। बस गुलाम रसूल बस, तुम ये नाम अब दोबारा नहीं लोगे, वरना ना तुम्हें तुम्हारी सेहत में लौटाऊंगा और ना ही तुम्हारी बिनाई। या रसूल अल्लाह, मैं तो तुमने तुम्हारी सेहत और बिनाई लौटाने के लिए आया था, तुम एक ही नाम लिए जा रहे हो, एक ही नाम लिए जा रहे हो। या रसूल अल्लाह, बस करो गुलाम रसूल बस, तुम्हारी नमाज़ें और तुम्हारी तिलावत कुरान का जिक्र तो सातवें आसमान पे होता है। तुम अपने अमाल के फजाइल के बारे में बताओ, ये क्या मोहम्मद मोहम्मद के रट लगाए हुए हो। सुनो मेरे आमाल के फजाइल, मैं अरब नहीं हूं लेकिन मैंने नमाज अरबी में पढ़ी क्योंकि रसूल अल्लाह ने ऐसे ही बताया था। सच्चे मुस्तफा ने कहा कि ये रब का कलाम है, तो मैंने सारी उम्र कुरान की तलावत रब का कलाम समझ कर की। तुम किन किन आमाल से मोहम्मद का नाम निकालोगे? जब उनका कलमा पढ़ लिया तो हर अमल में मोहम्मद का नाम पाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। बस गुलाम रसूल बस, अगर दोबारा तूने ये नाम लिया तो मैं तुम्हारी सारी बकरियां मार दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। कल मेरी सारी बकरियां सबको न दे देना, उनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत पे गालिब नहीं आ सकती। हुसैन कहाँ है? आया नहीं अभी। बोलो, मैं तुमसे और उससे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे बेटे, मेरे हुसैन के लिए तीन वसीयतें हैं, ये उन तक पहुंचा देना और उसे कहना कि इन पर अमल करें। जिंदगी और आखिरत में कभी परेशानी नहीं होगी। उसे कहना कि इश्क़ रसूल को हमेशा संभाल कर रखे, यही सबसे बड़ा सरमाया है। अगर कभी कोई इसमें कमी लाने की कोशिश करे तो शैतान मजदूर पर लानत की फिटकार भेजे। उनके नाम पर ज्यादा से ज्यादा नजर न्याज करे मदीना जाने की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रखे। और जब पहुंच जाए तो मेरा सलाम। السلام عليك يا رسول الله.
پکارا ہے میں نے جب بھی تمہیں پکارا ہے.